तो प्रदेश में विकास को लेकर तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उदयपुर से आई एक तस्वीर ने चिकित्सा विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गोगुंदा तहसील की मोरवल पंचायत के ढेलावास के रतादड़ा फला गांव में गर्भवती महिला को चारपाई से अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में न सड़क है न ही कोई मुख्य रास्ता, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं होने से कई बार मरीजों और गर्भवती महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। डिलीवरी था, इसलिए हमने XSR को फोन किया। XSR भी पहुंच नहीं सकी थी। हमारे गाँव में रास्ता भी बहुत खराब है, पर बेंडिंग रास्ता है। चार भैया पे टोक के उसको छः जने हो गए, टोक के कंधे पे लेके आए थे। क्यों लेके आए कि पानी में पैर घुस जाएगा तो उसकी बीमारी हो जाएगा, कमजोरी के हिसाब से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवि, सबसे पहले ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो विकास है वो पहुंच नहीं पाया है, और क्यों इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मसला है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं इस इलाके में बेहद आम है। बहुत ज्यादा इन चीजों को यहाँ पर जो है ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती इन लोगों को। और सबसे बड़ी बड़ी जो बात है वो दो बातें हैं। पहली ये कि आदिवासी इलाका है और ज्यादातर जो आबादी है वो सुदूर इलाकों में बसी हुई है, और छोटे छोटे मकान बनाकर ये लोग जो है मगरे, जिनको की पहाड़, छोटी जो मगरियां होती हैं, जिनको छोटी पहाड़ियां कह सकते हैं, उन पर जो है मकान बनाकर इंडिविजुअली रहते हैं, एक एक मकान बनाकर। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों के लिहाज से उन जगहों तक जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाना बेहद मुश्किल है और नामुमकिन के बराबर है, जबकि इस तमाम सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से, चाहे PWD की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बजट काफी एलोकेट होता है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको शायद इन तमाम सुविधाओं को जुटाने में काफी मेहनत करते हैं। चलिए, बजट काफी है लेकिन सुविधाएं जो है वो मिल नहीं पा रही है। शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।